पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। विधु विनोद चोपड़ा एक ऐसे फिल्म मेकर है जिनकी पहली फिल्म की एंडिंग पैसों की कमी के चलते पूरी नहीं हो पाई थी, यानी बिना क्लाइमेक्स के ही फिल्म रिलीज हुई थी। इसके बावजूद इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता था। इसके अलावा उनकी दूसरी फिल्म सीधे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। अवार्ड शो में शिरकत करने के लिए भी इनके पास न पासपोर्ट था और न ही पैसे। ऑस्कर अवार्ड में इनकी मुलाकात हॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म द गॉडफादर बनाने वाले लीजेंडरी डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला से भी हुई। उन्होंने विधु के काम की तारीफ भी की और उन्हें अपने यहाँ जॉब भी ऑफर किया। विधु विनोद चोपड़ा वो शख्सियत है जिन्होंने अमिताभ बच्चन को 4 करोड़ की रोल्स रॉयल्स कार गिफ्ट कर दी, जबकि खुद मारुति वैन से चलते थे। विधु विनोद चोपड़ा जब इंडस्ट्री में आए तो उनके पास इलाज के लिए 5 रुपये तक नहीं थे। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीतने पर 4,000 रुपये मिले। वही 4,000 रुपये उनके जीवन की पहली कमाई थी। हालांकि इन पैसों के मिलने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इन पैसों को लेकर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनकी बहस हो गई थी। विधु विनोद चोपड़ा ने इस साल इंडस्ट्री में यादगार 45 साल पूरे कर लिए हैं। अपने इस शानदार सफर और व्यक्तिगत जीवन पर विद्यु ने एक बातचीत की। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।